मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस अपने वादे भूल जाती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया कि वे बताएं उन्होंने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा क्यों नहीं किया। शिवराज सिंह ने कहा कांग्रेस ने वचन पत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था। कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब वो फिर झूठे पत्र बनाएंगे लेकिन उससे पहले वे जवाब दें। कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे लेकिन उसके पहले वो जवाब दें कि उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी, अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं, हमने फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें लोन लेंगी वो अब केवल 2% पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं, ये फैसला हमने किया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।